जम्मू के तालाब तिल्लो में हाल ही में अपनी तरह का पहला बागवानी संग्रहालय खोला गया है। इसकी पहल 3 साल पहले की गई थी। संग्रहालय में अलग अलग सीजन के फल वाले पौधों को रखा गया है। इसका मकसद टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें जो खास चीज है कि ये जो हॉर्टिकल्चर के फ्रूट प्लांट्स हैं, स्पेशली सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के, वो इस म्यूजियम में सारे साइंटिफिक वे में लगाए गए हैं। लगभग 40 से ज़्यादा काइंड्स और वेराइटीज़ हैं यहाँ पे, और उनको बड़े तरीके से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। ये संग्रहालय किसानों को उनका आइडिया शेयर करने, सफलता की कहानियाँ शेयर करने और उद्योग के पेशेवरों के साथ नेटवर्क बनाने का मंच उपलब्ध कराता है। हमने ड्रैगन फ्रूट यहाँ पर लगाया हुआ है। जो किसान है वहाँ पर आके सब कुछ देखते हैं। इधर वो प्लांट बहुत हैं, जैसे मौसमी हो गया, जो चेरी होगी, सब कुछ जो भी जो प्लांट, बड़े किस्म के प्लांट जहाँ लगा के हम सारे जीवन जाल जहाँ पर आते हैं, आके इसको देखते हैं, यहाँ से हासिल करके फिर हमें भी शौक आता है कि हम ये चीज़ लगाएं। मैंने भी खुद 2 किनाल लगाया हुआ है, जिसमें मेरे घर में हर चीज़ मौसमी के बूटे हैं, किन्नू हैं, वो भी लगाए हैं। एप्पल भी है इधर, एप्पल की बागवानी करो, अच्छा पैदावार होती है उसकी भी। लीची है, अमरूद है, वो भी है, और ड्रैगन फ्रूट है, इसकी भी अच्छी पैदावार होती है। हम तो अमरूद करेंगे ज़्यादा। संग्रहालय जम्मू कश्मीर के छात्रों और विद्वानों को इलाके में उगाई जा सकने वाले फलों की अलग अलग किस्मों के बारे में भी जानकारी देगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।